जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। देख सकते हैं आप लोग सामने मंदिर का दृश्य, और वे बागेश्वर धाम का मेन मंदिर है। आप लोग दर्शन कीजिए यहीं से, और सभी श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं साफ साफ जो दर्शन करने के लिए। आज है 28 अगस्त, 28 अगस्त का देख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव सरकार अभी धाम पर ही हैं, और रक्षाबंधन तक जो धाम पर ही रहेंगे। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए मंदिर का प्रांगण का, और इसके परिक्रमा मार्ग का भी दर्शन करवाएँगे। अभी देख सकते हैं आप लोग परिक्रमा मार्ग का दर्शन कीजिए। सबसे पहले आप लोग परिक्रमा मार्ग में जो आप भक्त देख रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, जो परिक्रमा करते हैं, जो भी भक्त पहली बार आता है तो परिक्रमा जरूर करता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग कुछ इस प्रकार है। दर्शन कर लीजिए आप लोग परिक्रमा मार्ग का, और मंदिर प्रांगण से बाहर चलते हैं, बाहर का दृश्य दिखलाते हैं। सीधे मंदिर के नीचे की तरफ आ चुके हैं, तो देख सकते हैं अभी सभी भक्त इसी रास्ते से आते हैं, दर्शन करके लौटते हैं। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं सामने बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, और बगल में सन्यासी बाबा का समाधि है। तो आप लोग इसे दर्शन कर लीजिए, और अभी हम आपको लेकर चलते हैं महायज्ञ का प्रांगण भी दिखलाएँगे, जो कि वहाँ पर सत्यचंडी महायज्ञ चला, पूर्ण रूप से संपूर्ण हो चुका। और देख सकते हैं इसके आसपास, जैसे ही आप लोग नीचे उतरेंगे तो आप लोगों के दुकान वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पर आप लोग जो भी खरीदना चाहते हैं, तो फ़ोटो वगैरह बागेश्वर बालाजी का आप लोग माला वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, मगर ये गाय वगैरह से आप लोग बचना है, ये सीधे आप लोग नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो आप लोग इनसे दूर रहें कृपया करके। बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुकी है बागेश्वर धाम में गाय वगैरह। तो टीन सेट के जस्ट जूम करके दिखला रहा हूँ, ये सभी श्रद्धालु रुके हुए हैं। ये आप सामने देख सकते हैं जो भक्त आ रहे हैं, और ये सीधे नीचे की तरफ आते हैं। आप लोग भी कभी भी दर्शन करने आएंगे तो इसी रास्ते से आप लोगों को आना होगा। जो भक्त नीचे बैठे हुए हैं, आप लोग अपनी श्रद्धा से 1500 या आपके अनुसार दे सकते हैं यहाँ पर भक्त लोगों को भी, जो नीचे बैठे हुए हैं भक्त असहाय, जो कि बूढ़े बैठे हुए हैं। आप लोग अपनी श्रद्धा 100-200 आप लोगों के हिसाब से दे सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गरीब रहते हैं, नीचे बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं लाइन बाई लाइन, ये देख सकते हैं आप लोग जो भी देना चाहते हैं प्रसाद वगैरह, यहाँ पर लाइन वाइज लाइन आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे।
तो अभी चलेंगे हम, आएंगे का प्रांगण भी दिखलाएंगे ही दिखलाएंगे, उसके साथ साथ आसपास का दर्शन भी करवाएंगे। तो आज वैसे सोमवार का दिन है, तो आप कुछ भक्त कम कह सकते हैं आज, और कल रविवार के दिन तो बहुत ही भीड़ भाड़ थी, आज सोमवार के दिन कुछ आप लोगों को कम दिख रहा होगा भीड़ भाड़। तो ये आप लोग नीचे आएंगे, तो जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो ये बागेश्वर धाम का कार्यालय है, आप लोग यहाँ से झंडा वगैरह आप लोग जो भी आप लोग खरीदना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, और भभूति भी यहीं मिलती है जो कि इससे दिनरेल भी यहाँ पर मिलता है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम बाय टाइम होता है, ऐसा नहीं है कभी भी आप जाओ तो आप लोगों को मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो अभी आ चुके हैं जो महायज्ञ का प्रांगण है, इसकी परिक्रमा वगैरह के पास, इसके आसपास देख सकते दुकान वगैरह लगी हैं, टैटू वगैरह आप लोगों को बुधवाना हो, आप लोग केला वगैरह इस परिक्रमा मार्ग में आप लोगों को मिल जाएगा, पर यहाँ आप लोगों को पैसा देकर ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा फ्री वाला सिस्टम नहीं है कोई भी धार्मिक कार्य, पैसे देकर केला वगैरह आप लोगों को जो भी खरीदना हो पैसे देकर ही खरीदना पड़ेगा। तो चलिए महायज्ञ का बगल में चल के दर्शन करवाते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो के साथ वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को दिखला दे रहे हैं। तो चलिए इसका पास से चल के दर्शन करवाएंगे हम। ये रहा महायज्ञ का प्रांगण, परिक्रमा कर रहे हैं भक्त लोग, दर्शन कीजिए आप लोग, देख सकते हैं सत्यचंडी महायज्ञ पूर्ण हुआ, इसके आसपास भक्त जो भी आते हैं परिक्रमा वगैरह कर रहे हैं, 7 या 12 या 21 आप लोग परिक्रमा कर सकते हैं यहाँ पे, तो सभी भक्त यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं ये मंदिर का प्रवेश द्वार, यहीं आप लोग एंट्री करेंगे जब भी बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे, इसी रास्ते से आप लोगों को जाना हुआ तो देख लीजिए इसके प्रांगण अभी भरा हुआ है, 2 गेट हैं अभी खोल दिए गए हैं जो कि बहुत ही प्रणाम हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं लाइन बाई लाइन भक्त लोग की साइड में हैं, और एक करके सभी भक्त आते हैं, 1 गेट से एंट्री होती है, 2 गेट से बाहर हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, देख सकते हैं राम दरबार का आसपास का दृश्य देख लीजिए, और श्री राम दरबार का भी दृश्य दिखलाएंगे जो कि नया वाला है, वहाँ पर जो अर्जी वगैरह स्वीकार होती हैं पूज्य सरकार बैठते हैं तब भी धाम पर रहते हैं तो दिव्य दरबार लगाते हैं, देख लीजिए परिक्रमा मार्ग परिक्रमा कर रहे हैं भक्त, यहाँ पर चलते हैं आगे की ओर, बने रहिएगा वीडियो के साथ, हम आपको वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी देंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ जो कि अन्नपूर्णा वगैरह निरंतर भंडारा अनवरत चलता रहता है निःशुल्क, तो उसका भी दृश्य दिखलाएंगे, राम दरबार का दृश्य दिखलाएंगे, वहाँ पर देखते हैं कितने श्रद्धालु बैठे हुए हैं, तो आ चुके हैं फाइनली राम दरबार के आसपास, देख सकते हैं हाँ ये रहा अन्नपूर्णा जो कि अभी बंद है, टाइम बाई टाइम खुलता है, और सामने देख सकते हैं श्री राम दरबार, यही लगता है राम दरबार में जो दिव्य दरबार लगाते हैं बागेश्वर धाम पर्चा बनाते हैं, तो आप लोग देख लीजिए इसके आसपास का दृश्य और बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो में हम आपको काफ़ी कुछ जानकारी देंगे। तो
तो इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम आपको अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी टॉपिक अपडेट के साथ, जो कि एक कथाओं में मिलेंगे हम आपको।